जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे BCG कंपनी के बारे में। BCG यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी, इसका कल देर रात तक क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया। कल बहुत रात तक आने के चलते मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं ला पाया, अभी वीडियो बना रहा हूं, आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कैसा आया है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड देने की बात कही है, तो उस डिविडेंड के बारे में भी जानेंगे। और अंत में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि अब आपको आगे क्या करना है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो, और यदि कोई नया व्यक्ति है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उससे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, हर एक चीज़ के बारे में मैं लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप को ही BCG कंपनी के नाम से जाना जाता है। 2018 में नाम चेंज होने के बाद BCG इसका नाम पड़ा। पहले इसको लाइकोज इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता था। अभी देखें तो कंपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ में डिजिटल मार्केटिंग की भी सुविधा देती है। यह एक ग्लोबली IT सर्विसेज प्रोवाइड कंपनी है। ज्यादातर इस कंपनी का जो कारोबार है विदेशों में होता है। कल इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ 30 मई के दिन, लेकिन बहुत रात तक इसका रिजल्ट आया, इसलिए कल रात को वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मैं अभी बना रहा हूँ। इस मीटिंग में कंपनी ने क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया है, साथ में डिविडेंड देने की भी बात कही है। समझिए, सबसे पहले कंपनी ने जो डिविडेंड देने की बात कही है उसमें इसने कहा है कि 30 पैसा यानी कि एक शेयर पर कंपनी आपको 30 पैसा डिविडेंड के रूप में देगी। हालांकि यह कब देगी इसके लिए अभी कोई रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं किया गया है। तो सामान्यतः आप जानते हैं कि जब भी बोर्ड मीटिंग होता है तो बोर्ड मीटिंग में कंपनियां रिकॉर्ड डेट नहीं बताती हैं, रिकॉर्ड डेट उसके अगले सप्ताह में बताया जाता है, तो रिकॉर्ड डेट आपको पता चल जाएगा। और यह कंपनी ऐसी है कि हर एक साल डिविडेंड देती ही देती है, साल में एक बार कम से कम डिविडेंड देती है, और डिविडेंड बहुत कम देती है, पैसा मत देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार इसने डिविडेंड बढ़ा के दिया है, क्योंकि आपको मैं बताऊं पिछले साल इसने दिसंबर 2021 में डिविडेंड दिया था और तब इसने सिर्फ 5 पैसा का ही डिविडेंड दिया था, यानी कि तब आपको एक शेयर पर सिर्फ 5 पैसे डिविडेंड मिले थे, लेकिन अभी आपको 30 पैसा कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर, देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। तो देखिए, जो क्वार्टर फोर का कंपनी का रिजल्ट आया है उसमें इसका टोटल रेवेन्यू हुआ है 1240 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो यह हुआ था 2021 करोड़ का। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में गिरावट हुआ है। हालांकि सालाना स्तर पर देखेंगे यानी कि पिछले साल के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए थे उस समय कंपनी को सिर्फ 718 करोड़ का ही इनकम हुआ था। इनकम और रेवेन्यू दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर आप देख रहे हैं सालाना स्तर पर तो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली स्तर पर रेवेन्यू कम हुआ है, यह चिंता की बात है। समझिए, खर्चे की अगर बात करें तो क्वार्टर फोर में इसको टोटल जो इस कंपनी का खर्चा हुआ है वो हुआ है 9225 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले क्वार्टर में हुआ था 1515 करोड़ का। और अगर साल भर पहले देखेंगे तो 5272 करोड़ रुपए का कंपनी ने अपना टोटल खर्च किया था अपने बिजनेस पर और अपने अलग अलग कार्यों पर। तो आप देख रहे हैं कंपनी का जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का खर्चा भी बढ़ा है। यहां खर्चा क्वार्टरली बेसिस पर भी बढ़ा है और सालाना स्तर पर भी बढ़ा है। खर्चा बढ़ना चाहिए, खर्चा बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने इनकम से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, तब कंपनी को लॉस होता है, यहां ऐसी बात नहीं है। अब अगर बात करें पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स ऑफ देने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है, तो देखिए क्वार्टर फोर में इसको जो टोटल मुनाफा हुआ है 923.5 करोड़ का हुआ है, और पिछले क्वार्टर में सिर्फ 371.44 करोड़ का हुआ था, तथा अगर साल भर पहले देखेंगे तो 140 करोड़ का कंपनी को शुद्ध मुनाफा हुआ था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी का सालाना स्तर पर भी और क्वार्टरली स्तर पर भी मुनाफा बढ़ते जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए भी और हम शेयर होल्डर्स के लिए भी। अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो देखिए अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ा है। क्वार्टर फोर में इसका जो टोटल अर्निंग पर शेयर हुआ है यानी कि एक शेयर पर साल भर में कितना रुपया बढ़ा है, तो यह सिर्फ 1.11 रुपया बढ़ा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3.57 रुपया था, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर अर्निंग पर शेयर में कमी हुआ है। और अगर सालाना स्तर पर भी देखेंगे तो अभी कमी हुआ है, क्योंकि साल भर पहले इसका जो EPS था वो 2.76 रुपये के आसपास था। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट में रेवेन्यू में थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट हुआ है, बाकी ओवरऑल सभी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके शेयर प्राइस में आज लोअर सर्किट देखने को मिला, लगभग 5% का इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला, और शेयर प्राइस दिन भर 64.20 रुपये के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आया। तो अब सवाल है कि हमें इस कंपनी में करना क्या है। तो देखिए, यदि आप इस कंपनी में समय देना चाहते हैं, समय देने के लिए तैयार हैं, तब आने वाले समय में कंपनी आपको कुछ बेहतर करते हुए दिख पाएगी, वरना आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाने के लिए आए हैं तब आपको थोड़ा निराशा हाथ लग सकती है। मेरा मानना है कि यह जो कंपनी है IT सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है, आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग का होने वाला है, हर एक चीज़ का डिजिटल रूपांतरण होने वाला है। तो ये सब जो डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, यही सब कंपनियां प्रदान करेंगी, यही सब कंपनी डिजिटल सर्विसेज और IT प्रोडक्ट बनाएंगी। तो मेरा मानना है आपको इसमें समय देना चाहिए। फिर भी अगर आप समय देने के लिए तैयार नहीं है तो आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में वर्तमान की स्थिति को देखते हुए इसमें यह कहना थोड़ा गलत बात होगा कि इसमें तेजी देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो अगर आप निराश नहीं होना चाहते तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।